क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 3.2 के ये हमने क्वेश्चंस करने हैं अभी। तो चलो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। इस एक्सरसाइज में ज़्यादा हमने क्या निकालना है, मोड और मीडियन निकालना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर वन, ये हमें एक डाटा दिया हुआ है। मैथमेटिक्स में स्कोर्स आए हुए हैं 15 बच्चों के, 25 में से ये सारे स्कोर्स दिए हुए हैं। आपने क्या निकालना है, मोड और मीडियन निकालना है। और फिर ये देखना है कि क्या आपका जो मोड और मीडियन आया, क्या ये सेम आए हैं या नहीं आए हैं। वो तो निकालने के बाद ही पता चलेगा। मोड होता है जो ज़्यादा टाइम नंबर इसमें आएगा, उसी को क्या कहेंगे हम, मोड कहेंगे। और मीडियन क्या होगा, बिल्कुल जो सेंटर में जो आएगी टर्म आएगी, सेंटर में जो नंबर आएगा उसको क्या कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है। लेकिन एक बात याद रखनी है, जब भी हमने मीडियन निकालना होता है तो जो डाटा हमें दिया होता है, सबसे पहले हमने उस डाटा को क्या करना होता है, ऑर्डर में लिखना होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, छोटे से बड़ा। तो जब आप ये लिखते हो डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तब बहुत ही ध्यान देना पड़ता है आपको, कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। कोई नंबर अगर छूटा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर ये जितना इजी है उतना ही आपके लिए सिरदर्द बन जाएगा ये। तो पहले क्या करेंगे हम, मीडियन निकालने के लिए इस डाटा को क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, छोटे से बड़ा। ठीक है, तो चलो ये बुक में हटा रहा हूँ। तो जब आपने इसको करना है, बुक आपकी साथ रहनी चाहिए सामने, और मैं आप बार बार बुक आपके सामने यहाँ पर नहीं रख पाऊँगा। तो क्वेश्चन वहाँ से मैं पढ़ के इनके सॉल्यूशंस करूँगा। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर वन, सबसे पहले लिखूँगा मैं स्कोर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं क्या करूँगा, स्कोर्स को लिखूँगा। सबसे पहला जो छोटा स्कोर है वो बोलो, बुक्स खोलो आप भी, आप बताते जाओ क्या लिखना है, छूटना नहीं चाहिए। 9 है पक्का? यस सर। उसके बाद 9 देख लो कितनी बार, अगर ज्यादा बार है। नो सर, 5। हाँ 5 है सबसे छोटा, देखा पहली ही गलती लगी। कितनी बार है 5 सर? एक बार। आगे देखो कौन सा नंबर आएगा फिर, सब देखो 9 कितनी बार आ रहा है सर? एक बार। चलो आगे सर, 10 कितनी बार सर? एक बार। चलो आगे सर, 15 12 ऐसे मत छोड़ो बीच में, गलत हो जाएगा सर। 12 12 कितने टाइम आ रहा है सर? एक बार। आगे 15 कितनी टाइम सर? एक बार। चलो आगे 16 कितनी बार सर? एक बार। आगे 20 सर? 19 ये कितनी बार आया सर? एक बार। फिर आगे 20 कितनी बार? चार बार आया, तो चार बार लिखना, 1 2 3 और ये चार बार आ गया 20। फिर 23 कितनी बार? एक बार। सर एक बार। आगे सर 24 एक ही बार है ये? यस सर। फिर आगे 25 कितनी बार? दो बार। यस सर। यही लास्ट होगा ये? यस सर। अब हम चेक करेंगे कि ठीक है भी है या गलत है ये कहीं। 15 बच्चों के ये स्कोर दिए थे, काउंट कर लो 15 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो डाटा हमने कर दिया इसको ऑर्डर में अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नाउ मोड निकाल लो पहले। मोड क्या होता है, जो ज़्यादा बार आया होता है, तो वो क्या आ रहा है, 20 20 20 20 4 टाइम आया ना, तो मोड इसका कितना हो गया, 20 हो गया। अब क्या निकालना है, मीडियन भी निकालना है, आल्सो मीडियन। कितनी टर्म्स थी ये, 15 थी ना, 7 लेफ्ट साइड पे हो जाएंगी, 7 राइट साइड पे हो जाएंगी, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये
ये मैं निशान लगा देता हूँ ऐसे, अंडरलाइन कर लेता हूँ इसको ताकि पता रहे। अब एंड से सेवन गिननी है, 1 2 3 4 5 6 और ये सेवन यहाँ तक, तो ये बीच में देखो क्या आया, ये वाला 20। पता चला आपको ये मीडियन 15 थी, 7 हमने लेफ्ट साइड से ले ली, 7 राइट साइड से, 7 और 7 कितना हो गया 14 हो गया, 14 हो गया, तो बीच वाली जो बिल्कुल है वो क्या आ जाएगी, इसकी मीडियन आ जाएगी, तो वो क्या 20। फिर उसने कहा था कि क्या ये सेम है, देखो ना मोड भी 20 आ रहा है, मीडियन भी सेम, मीडियन आ रहा है, 20 आ रहा है, यस दे आर सेम। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना, सिंपल था ना ये, दे आर सेम। क्वेश्चन नंबर 2 में आप एक बार दोबारा बुक अपने सामने ही रखोगे, आपको 11 प्लेयर्स के स्कोर दिए हुए हैं। अब आपने इसमें तीन चीज़ें निकालनी है, एक मीन भी निकालना, मीन आपको निकालना आता है कैसे, वो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था ना मीन, वैसे ही आपने इसका मीन निकालना, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके इधर रखना, उसके बाद आपने इसका क्या निकालना है, मोड भी निकालना और मीडियन भी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते आ जाएगा इधर, क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, रन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए ज़रूरी है। अगर मीन और मोड निकालना होता फिर डाटा को अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे रख के था। चलो बोलो सबसे पहले सिक्स, फिर रखो किताब सामने, टेन दो बार, कितनी बार, 15 15 15, फिर 50, कोई छोटा तो नहीं बीच में, छोटा 8 भी है सर, करते हो ना गलती आप लोग। सिक्स के बाद क्या है, 8, 10 कितनी बार, दो बार, फिर क्या है, 15 3 बार, फिर 50 50, यस सर, उसके बाद 100 80 80, फिर 100 और 120 120, और है कोई, नो सर, 11 देख लो हुए पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो देयरफॉर मीन मोड मीडियन, पहले कुछ भी निकाल लो मर्जी होती है आपकी, मीडियन चलो मीडियन निकाल लेते हैं, कितनी ये प्लेयर्स थे, 11 थे ना, 5 इधर से कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ से ले लिए, 5 यहाँ से, 1 2 3 4 5, तो क्या मीडियन आया, 15 15। मोड जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो क्या आ रहा है, 15 ही आ रहा है, 3 बार आ रहा है। एंड मीन, मीन के लिए आपको पता ही है फार्मूला क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए इन सब को प्लस कर लेना, ठीक है, सबको प्लस करके हम देखेंगे क्या आता है, थोड़ा वेट करो, प्लस करते हैं अभी इसको, तो प्लस करके आ रहा 429 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने खिलाड़ी थे, 11 थे, तो अब क्या करना है, इसको कैंसिल कर लेना आपने, 429 को डिवाइड करेंगे हम 11 के साथ, 4 के साथ ज़्यादा हो जाएगा, 11 3 33, करो माइनस, तो ये 2 में से 3 तो जाता ही नहीं है, 12 में से 3 गया तो कितना हो गया, 9, ऊपर से 9 उतारा,
इलेवन नाइन जार कितना आ गया 99। तो ये देखो कैंसिल होके कितना आ गया 39। तो कितना आया मीन फिर 39। ये 429 कैसे आया था, इन सबको प्लस करके। तो हमने क्वेश्चन नंबर टू में मीडियन भी निकाल लिया, मोड भी निकाल लिया और मीन भी निकाल लिया। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। फिर उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी है, वो भी बात करेंगे हम, सेकंड पार्ट को भी देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर थ्री, 15 स्टूडेंट का वेट हमें दे रखा है, ठीक है। द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर एज फॉलोज। तो इसमें भी आपको मीडियन निकालना है ना, तो हम लिखेंगे पहले डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कुछ भी लिख सकते थे, वेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख सकते थे। तो वो जो आपको वेट दिए हुए हैं बच्चों के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसको बता दो मेरे को। सबसे छोटा, गलत मत बताना। 32। और कोई बच्चा देख लो 32 से छोटा है कोई? 40 छोटा है 32 से? 32 से छोटा कोई है? तो पहला 32 ही आ जाएगा। अगला देखो क्या आएगा, थर्टी फाइव कितनी बार आया? सर एक बार। इसके बाद देखो है 36 कितनी बार है? सर एक बार, वन टाइम ही है। फिर 37 कितनी बार? सर एक बार। उसके बाद 38 कितनी बार? सर तीन बार। फिर सर 40 कितनी बार है? 40 सर एक बार। फिर सर 42 कितनी बार? सर एक बार। फिर सर 43 कितनी बार? सर तीन बार। फिर सर 45 कितनी बार? एक बार। फिर 47 कितनी बार? सर एक बार। फिर 50 कितनी बार? सर एक बार। फिर अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये ठीक है। 15 बच्चों के हमें वेट दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अभी फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बताना था, मोड और मीडियन। तो मोड देखो क्या आ रहा है, 38 कितनी बार आ रहा है? थ्री टाइम आ रहा है। और 43 भी थ्री टाइम आ रहा है। तो फिर क्या लिखें, मोड 38 लिखें कि 43 लिखें, या दोनों को लिख लो? दोनों को लिखना है, 38 भी लिखना है और 43 भी लिखना है। ये दोनों मोड आ गए इसके, क्योंकि 38 भी कितनी बार आ रहा, थ्री टाइम, 43 भी कितनी बार आ रहा, थ्री टाइम, और यही ज़्यादा बार आ रहे हैं दोनों। तो दो मोड हो गए। और मीडियन निकालना, पंद्रह थे ना, सेवन इधर कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला आ जाएगा 40, क्योंकि 7 अपने आप इधर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो मीडियन कितना आ गया 40। सेकंड पार्ट में कहता था वो, इज देयर मोर देन वन मोड, क्या मोड जो है एक से ज़्यादा आए हैं? बिल्कुल, देखो ना, दो मोड नहीं आए हैं क्या? यस, सेकंड पार्ट का क्या आंसर लिखना है? यस, बस लिख लो यस, लिख ले कि क्या एक से ज़्यादा मोड आए थे। हमने लिखा हाँ भाई यस आया, दो आए हैं, ये गिनती में नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि हाँ भाई एक से ज़्यादा मोड। तो ये क्वेश्चन नंबर था कौन सा, थ्री। क्वेश्चन नंबर फोर आपने करना है खुद। क्यों खुद करना है? क्योंकि उसमें आपको क्या निकालना है, मोड और मीडियन निकालना है। तो कर लेना, ठीक है, बिल्कुल बड़े आराम से निकाल पाओगे आप। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है ये क्या है, ट्रू फॉल्स है। इनमें से कोई हमें निकाल के भी बताना पड़ेगा और कुछ का तो पता चल ही जाएगा।
चलो सीधी कितना क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। ये बुक पे ही आपको मैं बताने लगा हूँ। वो कहता है कि जो मोड होता है ना डाटा में से ही कोई नंबर आ जाता है। हाँ ठीक है ना, जब आपको डाटा दिया होता है उसी में से तो आता है मोड। तो पहला क्या हो गया, ट्रू आ गया। सेकंड पार्ट को ध्यान से समझना, सेकंड पार्ट भी कुछ ऐसा ही है। वो कहता है कि जो मीन होता है वो डाटा में से ही कोई नंबर आ जाता है। ये ज़रूरी नहीं है, मीन जब आप करते हो ना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो आंसर आता है तो ज़रूरी नहीं है कि डाटा में से ही वो आंसर हो। तो ये फॉल्स हुआ। फिर पहला क्या हुआ, ट्रू, दूसरा क्या हुआ, फॉल्स। ये आ गया ट्रू, सेकंड वन इज फॉल्स। अगला, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। जो मीडियन होता है वो क्या, वो जो डाटा दिया होता है ना उसी में से कोई नंबर होता है। बिल्कुल हाँ, ये भी ठीक है, होता है ये। उसके बाद द डाटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 हैज बीन 9। ये तो निकाल के पता चलेगा आपको, इनको सबको कितनी टर्म्स है पहले गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। इन सबको प्लस करना है और 8 के साथ डिवाइड कर देना है। तो मैं जल्दी से प्लस करता हूँ इसको, देखता हूँ, फिर 8 के साथ डिवाइड भी कर देना हूँ। 6 + 4 कितना हो गया 10, और 3 कितना हो गया 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, 21 में 9 जमा किया तो कितना हो गया 30, 30 में फिर हमने 12 किया तो 42 हो गया, 42 में हमने 13 प्लस किया तो ये हो गया 55, 55 में 9 प्लस किया तो कितना हो गया 64। अभी 64 को अगर मैं क्या करता हूँ 8 के साथ डिवाइड करता हूँ तो वो तो क्या आएगा आंसर, 8 आ जाएगा। 8 × 8 = 64 होता है। तो वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि क्या आएगा मीन 9 आएगा, तो गलत कह रहा, फिर ये फॉल्स हो गया ये। ठीक है, एंड वाला पार्ट पता चल गया ना। तो ये आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई 3.2। ध्यान से इसको समझ के कॉपियों पे नोट कर लेना। ओके।